आप लोगों की परमिशन मांगना चाहता हूँ। मन में भाव ही आया कि अभी तक तो लॉकडाउन था और गाइडलाइंस ऐसी थी कि कोई आ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब आने जाने में कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि सुरक्षा के माध्यम से मंदिर और बिल्कुल सही किया गया, मंदिर कमेटी का ये डिसीजन बिल्कुल सही है कि जब तक पूरी तरह से व्यवस्था नहीं हो जाए तब तक पूरी तरह से हम लोग ये डिसाइड नहीं कर लें कि एक बार मंदिर खोलने के बाद दोबारा ऐसी नौबत नहीं आएगी बंद करना पड़े, तब तक हमें वैसा डिसीजन नहीं लेना है। और बहुत बहुत साधुवाद है मंदिर कमेटी को और सरकार की तरफ से। अभी आपके मुँह से जो सुना कि ऐसे संकेत आ रहे हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, लेकिन जो भी शाम प्रेमी क्योंकि लाइव जा रहे हैं इसीलिए हम लोग अगर शाम प्रेमी हैं और अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिसका रजिस्ट्रेशन हो वो वही खाटू आए, अगर इसके अलावा हम कुछ ऐसा करेंगे तो कहीं ऐसा नहीं हो कि मंदिर दो दिन के लिए खुले फिर और मिसमैनेजमेंट होने के कारण क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाएगी और सरकार अगर बोल देगी तो फिर बंद करना पड़े, तो फिर हमारा बाबा है और जहाँ कहीं भी हम हैं हमने तो यही माना है कि अगर मन से हमने ये बोल दिया कि बाबा आपके परमिशन नहीं है इसलिए हम वहाँ नहीं आ पा रहे, तो हमारी हाजिरी घर बैठे लगा लेता है। लेकिन अगर ग्यारस के दिन बप्पू भैया मन में अभी भाव आए, आगे कीर्तन जो हो रहा है ये भाव अपने जरूर हमारे मुरली भैया हैं, एक भजन के सुना रहे हैं, उसके बाद भाव अपने रखेंगे बाबा के सामने में और बाबा की मर्जी होगी तो आइए मुरली भैया एक भजन गाना। एक बार मैं कहूँगा संजय भैया की बात को आगे बढ़ाऊँ, ये सच है कि ऐसा नहीं है कि देखो भैया जी का मंदिर खुला भी बंद हो गया, तो अगर आपका देखो अभी होता है तो अभी डेट आई नहीं है, जब डेट आ जाएगी ना ऑनलाइन की तो आप ऑनलाइन बुकिंग करो, तो जो बुकिंग जिसकी हो वही घटू आएगी। ऐसा नहीं है चलो यार देख लेंगे, जैसे हिंदुस्तानी की यादव होती है ना घूमने जाते हैं तो वहीं जाकर फिर होटल करेंगे, फिर होटल नहीं मिलती है तो इधर उधर भटकते हैं, ऐसा नहीं करना है। खाटू श्याम जी आना कब है, जब आपको पर्ची मिल जाएगा आप आओ आपको दर्शन कराएंगे तब आप आना, अन्यथा मत आना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा आओगे तो फिर होगी वो बात, फिर पता नहीं कितने दिन के लिए बंद हो जाए। समस्या का समाधान ये नहीं है, ये है कि आपको पर्ची मिले तो आप आना, ठीक है। अब हमारे नौकर से आए मुरली भैया, बोले खाटू नरेश की जितने भी श्याम प्रेमी हैं उनके चरणों में मेरा नमन, बाबा श्याम को भी मेरा नमन प्रणाम। मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज आप सभी श्याम प्रेमियों के बीच मेरी भी हाजिरी हो रही। मेरा पहला ऐसा नहीं है, संजय भैया को पता है कल रात को कीर्तन था नौका में, वहाँ उसके लिए भजन की हाजिर लगा पड़ा, फिर भी आज बाबा की इच्छा हुई आपके बीच में आने की, अगर गलती हो जाए तो बच्चा समझ के माफ कर दीजिए। बोले सच्चे दरबार की, बोले श्याम प्यारे की, वो लीले पे चढ़कर मेरा श्याम आएगा, लीले पे चढ़कर मेरा श्याम आएगा। और जैसा अभी भाई साहब ने बताया कि ऑनलाइन दर्शनों की सुविधा हो रही है, हम सभी का सौभाग्य रहेगा कि इतने दिनों से बाबा को देखा नहीं है और उनकी मेहर उनकी मोर छड़ी हम सभी एक बार फिर से घूमेगी। आई इसी के साथ ये प्रेम रस से भरा बता है, अरे आकर के दरबार में मोर छड़ी लहराएगा, लीले पे चढ़कर आकर के दरबार में मोर छड़ी लहराएगा।
सजा दरबार बड़ा आला आएगा अब खाटू वाला, 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 लगाओ श्याम नाम से मन करो सब श्याम का पिता, आशीष के दानी का गुणगान गाएगा, आशीष के दानी का गुणगान गाएगा, उसके ऊपर बाबा मोर चढ़ी लहराएगा, पे चढ़कर मेरा श्याम आएगा, दिले पे चढ़कर मेरा श्याम आएगा, आकर के दरबार में मोर चढ़ी लहराएगा, पे चढ़कर उनका लिखा हुआ है और इसीलिए मैंने यहाँ कोशिश की है छोटी सी।
अब प्रेम पुजारी बनकर बाबा को रिझाएगा, प्रेम पुजारी बनकर बाबा को रिझाएगा। अरे भर भर के झोली खुशियों की सच्चे दरबार की। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओं गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित जम्बूफल चारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। प्रथमे गुरु जी को वंदना और द्वितीय आदि गणेश तृतीय निरुमा शारदा मेरे कंठ प्रवेश। नमो नमो माता पिता के जिनसे भया शरीर नमो नमो गुरुदेव के जिन दिया भजन में शेष। लाल देह लाली लसे हरिधर लाली लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। शिव समान दाता नहीं विपद विदारण हार लज्जा सबकी राखियो शिव बैलन सवार। चंद्र तपे सूरज तपे उद्गण तपे आकाश बढ़कर तपे सतियों का सुप्रकाश। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो जय 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 श्री श्याम की विनय करूं कर जोड़ और भूल क्षमा कर दीजियो देख भगत कियो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हारे के सहारे बुढ़िया मुझे नहीं पता कि मैं जो मन में आज यहाँ बैठकर भाव आए
कि जब तक बाबा का दरबार आम आदमी के लिए, हर आदमी के लिए, ऑनलाइन में तो वही आ पाएंगे जिनको बाबा की पर्ची कटेंगे, लेकिन आम आदमी जैसे पहले आते थे हर 1100 कीर्तन होता था हर धर्मशाला में, पूरा हिंदुस्तान हर 1100 शाम प्रेमी परेशान रहते हैं, इस दरबार इस जगह पर हर सुधी 1100 की रात को मुकेश भैया जयपुर हैं, उमा जी जयपुर हैं, और बाबा ने, मैं भी बाबा से अरदास करूँगा जब हर 1100 को बाबा इस दरबार में बुलाए और हम लोग यहाँ से कीर्तन करेंगे, जो लोग हमारे शाम प्रेमी हैं हर 1100 को सारी रात यहाँ पर जोत जगाएंगे, यहाँ से कीर्तन लाइव जाएगा पूरे हिंदुस्तान में, शीतल भैया भी हम बोल देंगे, रोमी भैया भी, और हमारे जितने भी और जो भी हमारे हाँ सुनने वाले वही आज का ये कीर्तन सुनने वाले के लिए जो नहीं आ पाते कल बाबा ने बुलाया, और कल ये हालात थे कि बाबा के सामने भी कोई नहीं जा पाता था, पर सच था, पप्पू भैया के घर पर आकर बाबा के शिखर बन के दर्शन करके मैं मोखा चला गया, मोखा कीर्तन था। कल पप्पू भैया ने मुझे कहा कि आए हुए तो बाबा का कीर्तन कर लो, मैंने कहा भैया मैंने तो आज मोखा कीर्तन के लिए बोल दिया, तो बोला आपने ही गानो है और बाबा ने सुनो है तो काल रख ले, काल को कीर्तन कर ले। और तुरंत इन्होंने मुकेश भैया से और उमा जी से गोविंद जी से बात करी और इन्होंने हाँ कर दिया कीर्तन। पहली बार लाइफ के अंदर में जब से बाबा को जाना, पहली बार आज दरबार में पब्लिक नहीं है, सिर्फ हम हैं और बाबा, पहली बार कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया, इसलिए कि बाबा को सुनाएंगे। और हम गर्व से कहते हैं जो बाबा के दरबार से जुड़ा हुआ शाम प्रेमी था ना, उसको न कल लाले पड़े, न आज पढ़ेंगे और न कल पढ़ेंगे, उनको न रिक्शा चलाना पड़ेगा न सब्जी बेचनी पड़ेगी। दीदी चाहिए जो इस दरबार से यहां से जुड़े हुए हैं, आइए, अभी थोड़ी देर पहले हमारे भैया ने धुन बजा दी थी, और शायद चूंकि ये कीर्तन जो हो रहा है वो हम अपनी पुकार प्रभु के चरणों में रख रहे हैं, लेकिन हमारी का मतलब ये नहीं कि हम स्वार्थी हैं, जो भी सुन रहे हैं या जो भी जिनका भी मन खाटू में रहता है उन सब की तरफ से ये अर्जी प्रभु के श्री चरणों में रख रहे हैं। परेशान इसलिए नहीं थे बाबा कि आमदनी नहीं हो रही थी, इसलिए परेशान नहीं थे, सच्चाई है। जब शुरुआत में जाते थे ना तब जरूर लगता था, लेकिन जिस दिन से आपने ये एहसास कराया
रुपया पैसा तो मैं सबको देता हूँ, लेकिन मेरे भजन गाने वालों की मैं हर पल साया बनकर पीछे रहता हूँ। जिस दिन से एहसास हुआ उस दिन से ये तो महसूस हो गया कि आखिर में दरबार में बैठकर बोल रहा हूँ, कुछ नहीं चलेगा तो खाटों में दो टाइम कितनी कृपा तो कर ही देगा कि दो टाइम जो भोग लगता है उस भोग की एक रोटी तो बाबा जरूर यहाँ पर खाट में दे देगा, इतना विश्वास है। लेकिन परेशानी इसलिए थी कि जिस आदमी को रोज कीर्तन करने की आदत पड़ गया, एक तो कीर्तन, एक तो संगीत, और उसके ऊपर से संगीत में कीर्तन, वो आपको बिना कीर्तन के रह नहीं पाता था। इसीलिए ये अरदास है ये मेरी हकीकत है, चाहो हारा हुआ प्राणी हूँ, सुन ले यदि फुर्सत है, उमरा तेरी यादों में प्रभु क्या ना गुजारी हूँ, उमरा तेरी क्या ना गुजारी हूँ, जिंदगी नाम में रख दी प्रभु ऐसा जुआरी हूँ, चरणों का पुजारी हूँ, चौखट का भिखारी हूँ। शिवचरण जी की अमर रचनाओं में से एक इस भजन को ही मेरा सौभाग्य मिला कि मुझे गाने रिकॉर्ड करने का मौका बाहर हो गया। निज मंदिर के अंदर में मैं समझता हूं कि या तो शाम के कितने नाम का वो भजन निज मंदिर में फिल्माएंगे या फिर रात को मौका मिले। उसके बाद मुझ गरीब पर यह कृपा होगी कि मुझे एक भजन मंदिर में रिकॉर्ड करने का मौका मिला, एक भजन की इजाजत मिली और ये भजन मंदिर के सीढ़ियों पर गाया और अंदर मंदिर में रिकॉर्ड करने का, शूट करने का मौका मिला। मन में लालच आ गया और दूसरा भजन शूट करने के लिए जूही चलाया, महाराज का चमत्कार मैंने देखा। एक भजन की परमिशन मिली थी जो वहां पर लाइट लगाई गई थी वीडियो कैमरा की, वो लाइट ब्लास्ट तुरंत काम करने लगे। भगवान ने चूंकि ये भजन में लिखा था चरणों का पुजारी हूँ चौखट का भिखारी हूँ, इसलिए इस भजन को मंदिर निज मंदिर के अंदर में शूट करने की परमिशन मिली। इसके अलावा एक लाइन भी शूट नहीं हुई। तो एक एक शब्द जो लिखा जाता है इनकी मर्जी के बिना नहीं लिखा जाता, और जो लिखा जाता है वो ये सत्य करता है। अगर आपको भी एहसास होता है तो सब भैया सबको मिलकर मीठी मीठी तालियों के साथ मीठा मीठा बजा कर गाएंगे। चरणों का पुजारी हूँ, आपको एहसास होगा आप पाठों में बैठे तालियां बजाकर।
Thank you.
नौकरी सरकारी हूँ, सरकारी नौकरी करने वाला। सरकारी नौकरी करने वाला कोई प्रॉब्लम होती है ना तो भी ऑनलाइन नहीं बोल सकता। क्योंकि उसे पूरे जीवन की गारंटी होती है जिसको गवर्नमेंट नौकरी मिली जाती है। किसी आदमी से पूछो प्राइवेट नौकरी 1 लाख की है और सरकारी नौकरी 70,000 की है, वो बोलेगा सरकारी ले लूंगा, 50 में ले लूंगा, लेकिन सरकारी चलेगी। और हम तो सरकारों में सरकार की नौकरी करते हैं, उनके नौकर। क्या बात लिखी है, कहने भी नहीं इन्होंने जो लिखा वो करके दिखाया। पप्पू भैया ये ऐसे प्रेमी थे बाबा के, ये ऐसे प्रेमी थे मुकेश भाई जो कभी अपने केस कटवाने के लिए नाई के पास नहीं गए। था उम्र किस लिए, क्योंकि कहते थे कि ये सिर झुकेगा तो सिर्फ श्याम के सामने में। बड़े से बड़ा राजा भी अगर केस कटवाता है तो नाई के सामने झुकना पड़ता है, लेकिन इस नौकर ने श्याम के अलावा कहीं सर नहीं झुकाया। और आखिरी समय में ये गवाह है, श्याम के चरणों में आखिरी समय श्याम के चरणों में बिताया, यही इस माटी पर प्राण दिया। ये कभी भी किसी के जाते थे ना, कभी किसी के घर अगर खाना खाना पड़ता होता था तो इनकी पॉकेट में नमक की पोटली होती थी। किसी के घर में नमक का खाना नहीं खाते थे, अनूना खाना खाते थे, अपना नमक मिलाते थे। कहते थे कि अगर नमक खाऊंगा तो सिर्फ इस सरकार का, किसी और का नमक खाऊंगा तो फिर गुलामी करने लगेगी, गुलामी करूंगा तो सिर्फ इसकी। ऐसे प्रेमी इन्होंने कभी नहीं कहा, इन प्रेमी ने कभी नहीं कहा मेरा नाम। इन्होंने अपना भोग जरूर दिया, इन्होंने भोग जरूर लगाया, लेकिन जहां तक मेरी समझ है, जहां तक मुझे बताया गया, इन्होंने भोग इसलिए लगाया, इसलिए अपने नाम का भोग लगाया, इसलिए भी भक्तों का कल्याण किया इन्होंने। क्यों किया? क्योंकि कहते हैं ददर्शक शब्द होता है लेखनी लिखते समय। ये कोई बहुत ऊंचे जिन्होंने साहित्य की तामील ली होगी उसके बाद वो लिखते हैं, उनको ज्ञान है कि ददर्शक किसे कहते हैं। ददर्शक शब्द लगता है और अगर लग गया लिखने वाले पर मारक हो जाता है। और इन्होंने शायद भोग इसलिए लगाया अपने नाम का कि अगर मारक हो तो किसी और गाने वाले पर ना हो, मेरे ऊपर हो जाए लेकिन किसी और गाने वाले पर इमारत नहीं हो। ऐसी भावना थी शायद। कभी नहीं कहा कि मैंने लिखा, कभी नहीं कहा। ऐसे प्रेमी जो निस्वार्थ इसके दरबार में आते थे, कभी नाम की परवाह नहीं की,
मैंने कि हमारा सौभाग्य है कलकत्ते में 24 घंटे का उत्सव, तो वही आप तो कई बार आते हो, आज भी कई मंडलों का होता है, शनिवार को सारी रात कीर्तनों में बैठते हैं, सारी रात बैठते रहते और ज्योत के सामने में तब ऐसे भजन बाबा ने इनकी कलम से लिखवाए। आइए ऐसे भक्त के नाम पर एक जयकारा बोलिए, भक्त और भगवान की। एक और Thank you.
ये सेवा चाहिए। जब तक ये सेवा तो तब तक जिंदगी देगा। वो दिन नहीं आए कि आपकी सेवा के लिए पैसे उस सुबह के पहले उठा देना, क्योंकि नकल आपके अलावा कोई था ना, आज आपके अलावा कोई है, मैं भविष्य में कभी आपके अलावा कोई हो। Thank you.
तो सारे मेरे लोग तेरे नाम का पुजारी आया। हारे के ये रचना जब मैं 5 साल 7 साल का था, हमारे कलकत्ते में 150 साल पुराना बड़ा बाजार में पप्पू भैया सत्यनारायण भगवान के मंदिर की अहिंसा प्रचार के बगल में, वहाँ पर सावन के हर दिन झूले सस्ते थे, बंगला, और रोज कोई ना कोई भक्त कीर्तन करता था। अपनी माँ के साथ हाथ पकड़ कर जाता था, वहाँ पर शिक्षे लगे होते थे, उनके बीच में से देखने को मिलता था। ये रचना ब्रह्मलीन प्रभु के अनन्य भक्त स्वर्गीय श्री गोपाल जी भाटिया जी द्वारा रचित ये रचना के नाम का पुजारी है। शायद ये रचना आज के लिए लिखी गई थी, क्यों इतने खफा मुझे इतना बता, क्यों इतने खफा मुझे इतना बता, मेरे नैनों में आके सदाए। आइए प्रेमियों एक और पुष्प बाबा के चरणों में। Yeah.
मन की कली मुरझाई उजड़ गई है
मन की कली मोरे जानी। ये लाइन लिखने वाले ने इसलिए नहीं लिखी शायद इसलिए लिखी है कि आपके चौखट पर आए बिना धन का अंबार लगा रहे वो भी ठिकाने लगाता है। उजड़ गई है बगिया चिलम की, उजड़ गई है बगिया चिलम की, मन की कली